न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में एक बार फिर ऋषभ पंत गलत समय पर गलत शॉट खेल कर आउट हुए हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने 56 गेंदों का सामना किया और 32 रनों की पारी खेली थी, जिसमें चार चौके जमाए। पंत ने हार्दिक पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी की थी। गौरतलब है कि भारत के 4 विकेट पर 24 रन थे। ऐसे में हार्दिक पांड्या और पंत ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन एक बार फिर मिले बड़े अवसर का फ़ायदा ऋषभ पंत नहीं उठा पाए। आपको बता दें कि मिशेल सेनेटर ने उन्हें लालचाकर स्वीप मारने पर विवश किया और कॉलिन डी ग्रैंड होम को बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। आपको बता दें कि जो इंडिया थी अब वो सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है और अब वो फाइनल नहीं खेलेगी, क्योंकि साथ ही साथ न्यूजीलैंड ये मैच जीत चुकी है। इंडिया की काफ़ी ख़राब बैटिंग की वजह से ऐसा हुआ है। वहीं ऋषभ पंत ने साझेदारी का परिचय ना देकर गलत शॉट का चुनाव किया और अपना विकेट गवा बैठे, तो पवेलियन में मौजूद कोहली काफ़ी खफा नजर आए। कोहली अपनी जगह से उठे और सीधा कोच रवि शास्त्री के पास गए और गुस्से से ऋषभ पंत की इस नासमझी पर बहस करते हुए नजर आए। कोहली के इस रिएक्शन से साफ पता चलता है कि वो काफ़ी गुस्से में है और अब ऋषभ पंत की ऐसी नादानी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड कप से इंडिया बाहर होने के बाद से ही फैंस के दिल टूट गए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, क्योंकि खेल जगत से जुड़ी आपको खबरें मिलती है सबसे पहले।